तो दोस्तों अपनी सब्जी बन चुकी है, इधर रोटी भी रेडी है, तो अब खाना खाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। तो आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हम भी मज़े में हैं। तो हम भी रायपुर पहुंच गए हैं। तो यहाँ तो मौसम ही कुछ और हो गया है, पूरा एकदम बारिश वाला चकाचक। तो मौसम एकदम हो गया बढ़िया। तो बारिश हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं शीशे पे। तो चलते हैं, गाड़ी खाली करते हैं, 8 बज गए हैं। तो फ़ोन लगाते हैं, पार्टी वाला क्या कहता है, तो फिर देखते हैं, खाली करते हैं। ठंड हो गई। नाश्ता पानी हो गया था, हमने सामान भी सब ले लिया, तो दूध भी, तेल भी, तो अंडे भी ले लिए, आज अंडा कड़ी बनाएंगे। तो अभी बिल्टी लेने आए हैं, तो रायपुर में यहाँ बताएगा कहाँ खाली होगी। अभी आके खड़े हैं रिलायंस पंप के पास, तो अभी बारिश भी हो रही है, तो अभी बताए नहीं है वो कि कहाँ खाली होगी करके। तो अब देखते हैं, तो वेट कर रहे हैं, दिखाता हूँ आपको, बारिश हो रही है। एक गाड़ी ये है, ये भी वहीं से भरी थी हमारे साथ ही। देखिए बारिश हो रही है यहाँ, तो पूरा मस्त हो गया मौसम यहाँ। ठंड अब हुई है, अब जाके ठंड हुई है आज। जी हो गई गाड़ी अंदर। दोस्तों गाड़ी की एंट्री करवा दी है, बिल्टी जमा हो गई है पेपर। तो देखो कब तक अंदर लेते हैं, तब तक हम चाय बनाते हैं, चाय पी के उसके बाद सब्जी बनाते हैं। नाश्ता सुबह कर ही लिए थे, दुकान में पोहा खा लिए थे, तो यहाँ फ्री खड़े हैं, तो फ्री बैठ के क्या करना, तो कोई काम कर लिया जाए, सब्जी बनाते हैं। तो पहले उससे चाय बनाते हैं, चाय पी के फिर सब्जी बनाएंगे। चलिए दोस्तों, सामान सब अपना रेडी है, ये जीरा वगैरह, मसाला, अंडा, दूध 5-6 पैकेट ले आए थे, तो टमाटर वगैरह सब पड़े हुए हैं, और चाय पत्ती का पैकेट भी ले आए, और एक तो शक्कर दुकान से खरीदी थी वहाँ उड़ीसा से। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी हो गई अंदर, अभी कांटा 2 बजे के बाद होगा, तब तक हम सब्जी बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अंडा उबालते हैं सबसे पहले, तो बाकी फिर तड़के की तैयारी करते हैं। अंडे उबल गए हैं, बीच में आलू भी 4 डालेंगे, तो इसको बंद कर देते हैं। अंडा दोस्तों अपना फ्राई हो रहा है, अंडे को फ्राई करेंगे। अंडा हो गया फ्राई दोस्तों, अब जीरा डालते हैं, अदरक लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, तो नमक भी डाल देते हैं,
दो चम्मच। अब दोस्तों काली मिर्च डालते हैं, गोलकी मिर्च जिसको बोलते हैं। अपना सिलेंडर हो गया था ख़त्म, तो दूसरी गाड़ी वाले से लाए हैं सिलेंडर सब्जी बनाने के लिए, और इसको बाद में भरवाएंगे, तो अभी फिर चालू कर रहे हैं। का तो हो गया है, ये गए टमाटर, थोड़ा लेट हो गए। आलू भी डाल दिए दोस्तों, और अभी सब मसाला अपना भूज रहा है। अभी डालेंगे इसमें हल्दी, ये गई अपनी हल्दी। लीजिए दोस्तों अपनी ग्रेवी रेडी है, अब इसमें अंडे डालते हैं। तब तक हम रोटी की तैयारी करते हैं, जब तक हमारी सब्जी हो रही है रोटी बनाते हैं दो तीन, फिर खाते हैं। दोस्तों आज इसी सिलेंडर से बनाएंगे रोटी, सब्जी अपनी रेडी है तो अब रोटी बनाते हैं। तो दोस्तों अपनी सब्जी बन चुकी है, इधर रोटी भी रेडी है, तो अब खाना खाएंगे। तो आज थोड़ा लेट हो गए हैं, थोड़ा रोटी को घी लगा लेते हैं। तो दोस्तों अपना खाना रेडी है, तो थोड़ा सिलेंडर की वजह से लेट हो गए थे, तो चलिए अब खाते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी सब्जी। नमक थोड़ा कम होगा, वैसे बाकी सब ओके ही है। खाना चाहे लेट मिला लेकिन बना बहुत लाजवाब है। देसी घी अलग से टेस्ट दे रहा है और अंडा कढ़ी का अलग से टेस्ट आ रहा है। तो एक तो मसाले भी पूरे, प्याज लहसुन अदरक तो सब एकदम ज़्यादा ही डाला है, तो हम ज़्यादा ही डालते हैं तो कंजूसी नहीं करते, तो वाकई में लाजवाब बना है। तो बाकी तो कोई और खाएगा वो बता सकता है, हम अपने खाने की खुद तारीफ नहीं कर सकते। तो बाकी मेरे को बहुत पसंद आया, तो चलिए खाते हैं खाना। फाइनली दोस्तों खाना खा लिया, अब देखते हैं खाली का क्या हिसाब किताब है। तो अभी तक तो सैंपल लेके गए सब गाड़ी का, तो देखते हैं जाके क्या करते हैं खाली को भी। तो खाना मज़ा आ गया खा के, थोड़ा लेट हो गए सिलेंडर की वजह से, लेकिन मज़ा आ गया खाना खा के। हर बार नया टेस्ट, हर बार नया टेस्ट, कुछ भी बनाओ हर बार नया ही टेस्ट आता है। तो कुछ मसाले कूट के डालने चाहिए, बढ़िया बनती है सब्जी। तो बाकी कोई दूसरा आदमी खाएगा वो ही बताएगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्या बनना। अपनी तो जितनी मर्जी कही जाओ कि मैंने बहुत अच्छा बनाया, मैंने बहुत अच्छा बनाया, दूसरा आदमी बता पाता है कि कैसा बना खाना। तो बाकी पिछली बार भोला था वहाँ मटन बनाए थे, तब भी ऐसे टेस्टी बना था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं खाली का क्या प्रोग्राम है, चलिए। ऐसे सैंपल लिया जाता है लोहे का, ये गया सैंपल। यहाँ पे खाली होती है गाड़ी, अब देखो कब करते हैं खाली। ये लोहा है दोस्तों, इसको बनने में कई भट्टियों में से निकलना पड़ता है, तब जाके बनता है।
गई गड्डी खाली, गड्डी है हुण बाहर। तो दोस्तों बाहर आ गए कंपनी के, तो यहीं गाड़ी खड़ी है। तो वजन थोड़ा शॉर्ट आ रहा था, 10 किलो का फर्क पड़ रहा था, नहीं तो पैसा कट जाता अगर 60 किलो होता। 50 किलो का पैसा नहीं कटता, अगर 60 हो गया तो 60 का पैसा काट देंगे, ऐसे हैं व्यापारी लोग। तो दोस्तों अब खाना ले आए अंदर से, तो अब खाना खाएंगे। सब्जी अपने पास पड़ी हुई है, तो सुबह चलेंगे यहाँ से। क्या है कि कहाँ रुकेंगे, अब इधर उधर देखेंगे, और टोल भी हमको 12 बजे के बाद कटाना है, फिर अप डाउन आधा टोल लगेगा। अगर उधर से वापस आएंगे तो आधा टोल लगता है फास्टैग में, इधर में जाएंगे पूरा लगेगा, जब उधर से वापस आएंगे 24 घंटे के अंदर तो फिर आधा लगेगा। तो फिर सुबह 4 बजे चलेंगे। तो इस ब्लॉग को दोस्तों यहीं एंड करते हैं। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले ब्लॉग में। बाय बाय।